क्या ये सब? हाँ सर, वो मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर पाया था जल्दबाजी में, तो सर बस नाश्ता कर रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस है, तेरा घर नहीं, समझा? कि कहीं पे भी बैठ के तू खाना खाने लगेगा। और ये क्या, अभी तक साफ सफाई नहीं किया तुमने? हाँ, अगर कोई आएगा मेरे ऑफिस में ये सब दिखेगा तो क्या बोलेगा? यहाँ का स्टाफ को उठने बैठने का भी तमीज नहीं है, कहीं पे भी बैठ के खाना खा रहा है। सर आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं खाना खा के सर सब कुछ कर दूंगा सर। और सर नीचे बैठ के खाना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए। तुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरे रूल्स चलेंगे। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना वाना उठा, ये सब साफ कर, उठा जल्दी। हो गया सर। हो गया? मैं नाश्ता करके नहीं आया हूँ, जा मेरे लिए नाश्ता लेके आ। और जो तू खाना खा रहा था ना, उसको लंच टाइम में खा, ठीक है? और हाँ, एक और बात, आज सफाई अच्छे से करना। आज मेरी मीटिंग है, डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए, तो तेरी नौकरी भी जा सकती है, समझा? अच्छे से सफाई कर। मैडम आप बैठिए। मैडम क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? सर अभी मेरे घर से फोन आया था, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम लोगों का नाम नाटक बहुत है, अगर नौकरी किया नहीं जाता है तो करते क्यों हो? छुट्टी लेने के लिए नए नए बहाने ढूंढते रहते हो। अपनी बच्ची तक एक्सीडेंट करवा दिया छुट्टी लेने के लिए? नहीं सर, मैं अपनी बच्ची को लेकर झूठ क्यों बोलूंगा सर, सच में सर मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो बच्चा संभाला नहीं जाता है तो पैदा क्यों करते हो? पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हो? डॉक्टर है ना उसे संभालने के लिए, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ कॉफी लेके आओ। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बेटी हॉस्पिटल में और आपको कॉफी की सूझ रही है? जुबान लड़ाता है मुझसे, काम करने में तो मौत पड़ी है ना तुझे, जब पैसे मांगने आता है तो सबसे पहले तू ही आगे आता है। देख नौकरी कर चुपचाप से, और मेरे ऑफिस में जो भी रूल्स है उसे फॉलो कर। सर मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, मुझे जाना जरूरी है सर। और सर मुझे कुछ पैसे भी चाहिए सर, हॉस्पिटल में एडमिट है सर तो पैसे लगेंगे, आप मेरी सैलरी से काट लेना। अभी कुछ ही देर पहले कहा था ना मैंने कि पैसे लेने के लिए सबसे आगे आ जाता है, देख ना अभी कैसे पैसे मांग रहा है तू। इतना ढीठ है तू, शर्म नहीं आती क्या तुझे? संजय आई थिंक अभी इनको इनके बच्चे के पास होना चाहिए, छुट्टी दे देनी चाहिए, ये चाय कॉफी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। जी मैडम ठीक है, छुट्टी मिल जाएगी तुझे, पहले जा कॉफी लेके आ। हाँ तो मैडम। सर कॉफी? हाँ रख दे। वो सर कुछ पैसे मिल जाते तो? हाँ हाँ दे रहा हूँ, पकड़ उठाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। सर ये तो बस 1000 रुपए हैं सर, इतने में मेरा क्या होगा सर, बच्ची हॉस्पिटल में और पैसे की जरूरत पड़ेगी सर, अगर आप और पैसे दे देते तो। देख मेरे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो मैं तोड़ के तुझे दे दूँ, इतने ही पैसे मिलेंगे तुझे, अगर चाहिए होगा तो ले वरना छोड़ दे, अब दफा हो जाए यहां से। मिस्टर संजय मैंने आपको अपनी कंपनी के बारे में तो सॉरी मैम, वो मेरे घर से कॉल आ रहा है। इट्स ओके। सो संजय डील होने से पहले मेरी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लो तो आप। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरे घर से बार बार कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। श्योर। हेलो क्या कब? अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो मैं अभी आता हूँ। हाँ आई एम सॉरी मैम, मुझे घर जाना होगा,
मैं, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अभी वो हॉस्पिटल में, उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, मुझे जाना होगा। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो? मैम अभी तो मैंने आपको बताया ना, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो अभी हॉस्पिटल में, वही जा रहा हूँ मैं। बट आप ये मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकते। क्या मैम, आप मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए बोल रही हो, सब कुछ जानते हुए भी? मैम मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो अभी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ रहा है। मैम मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे लगा कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफी फॉलो करते हैं, लेकिन शायद आपके कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए ही है। आज आप पे बात आई तो आप मीटिंग छोड़कर जाने लगे, लेकिन उस दिन उस पियोन की बेटी भी हॉस्पिटल में थी, लेकिन आपने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया, इतना कुछ सुनाया, क्यों? क्योंकि वो गरीब है और वो एक पियोन है और वो आपसे कुछ कह नहीं सकता, इसका मतलब आप उस पर अपना पावर दिखा रहे थे। सॉरी बट आप में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं, आपने जो भी किया बिल्कुल भी ठीक नहीं। आई एम सो सॉरी टू से बट आपने एक बात तो सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अभी अगर ये मीटिंग छोड़कर चले गए तो मैं भी चली जाऊं और आपके हाथ से ये डील भी चला जाएगा। सो बैठना है या फिर जाना है, डिसीजन इज योर्स। मैडम आप ये ऐसा क्यों कर रही हो, इसका कोई फायदा नहीं है। और सर वक्त क्या ही पता चलता है, आपने मुझे कहा था ना कि अगर बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो, यही बात आज मैं आपको कह सकता हूं, लेकिन नहीं। और सर बिना वजह मैंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, और झूठ बोलकर तो बिल्कुल भी नहीं। शायद आपको मेरी बातें झूठ लगे, लेकिन भगवान सब जानते हैं। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सर को जाने दीजिए, अगर आप भी इनकी तरह बन जाएंगी तो फिर आप में और इनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। देखा आपने उस मामूली से पियोन का दिल कितना बड़ा है, उस दिन आपने उनको इतना कुछ सुनाया, लेकिन आज आज उसने आपको ऐसे ही जाने दिया। I'm sorry. Sorry. आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगा।